करिए। एक मिनट, हमारी 10 बटालियन की जो पोस्ट है नांगली घाट, उसमें हमारे आजकल देखा होगा कि BSF हमेशा 24 घंटे ही अलर्ट रहती है, और रात के समय में कल मौसम ख़राब था, नदी में पानी भी ज़्यादा था, तो अलर्टनेस हमने थोड़ी और ज़्यादा रखी हुई थी। तो हमारी जो सेंट्री ड्यूटी पे था उसने कुछ सस्पिशियस मूवमेंट देखा नदी में, तो नदी में पानी का बहाव भी तेज़ था और रात भी थी, तो वो थोड़ा उसमें उसको सस्पिशन लगा, तो उसने अपने साथियों को बताया कि मुझे कुछ सस्पिशन लग रहा है इस तरफ। तो बाद में जाके जो उसमें देखा गया, तो ये आप लोगों ने देखा होगा कि एक कपड़े के पाइप सा बना के उसके अंदर हीरोइन के पैकेट रख के उसको जो फुटबॉल या वॉलीबॉल का ब्लैडर होता है हर पैकेट को उसमें बांध के जिससे कि वो डूबे ना, और जलकुंभी में छुपा के उसको उसमें पाकिस्तान की तरफ से छोड़ा गया था। उसको करीब कोई 1.5 किलोमीटर लंबी रस्सी से बांधा गया था और उसको कंट्रोल किया जा रहा था। अभी हम कह नहीं सकते, लेकिन पाकिस्तान साइड से उसको कंट्रोल किया जा रहा था। तो ये जब ये दिख गई, वो सस्पिशन हो गया, तो उसके बाद फिर बोट का हमारी जो बोट पार्टी है उन्होंने जाके उसको रिकवर किया। रात को अंधेरे में उस पर वो रस्सी टूट गई थी, लेकिन लेके आए हैं। उसके बाद हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं इंक्लूडिंग हमारे कमांडेंट साहब वगैरह सब वहाँ पहुँच गए थे, और जब उसको देखा गया खोल के, तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट सीजर्स है BSF का, 60 kg एक टाइम में। अब ये अप्रॉक्सीमेट है, NCB को हम लोग हैंड ओवर कर रहे हैं, उसके बाद इसकी सैम्पलिंग होगी और सही वेट पता चल पाएगा। लेकिन ऐसा भी प्राइमा फेसी जो लग रहा है कि ये BSF का सबसे बड़े सीजर्स में से एक है। कितनी कीमत है जी? देखिए, इसके डिपेंड करता है, अक्रॉस द फेंसिंग कुछ और हो जाता है, लेकिन इंटरनेशनल वैल्यू इसकी 300 करोड़ होगी। आदमी तो वो पाकिस्तान साइड से कंट्रोल हो रहा था, तो हमारी इस तरफ नहीं आया, अगर आता तो हम लोग उसको न्यूट्रलाइज करते। सर, पहले भी कभी इस तरीके से ये? देखिए, इस तरीके से हमारे सेक्टर में तो पहली बार हुआ है, बाकी जगह हो चुकी हैं इस तरह की, लेकिन हमारे सेक्टर में पहली बार हुआ है। इससे पहले हमारे सेक्टर में ये 2017 दिसंबर में 55 kg पकड़ी गई थी एक बार में, उसके बाद फिर ये सबसे बड़ा सीजर है। उसके बाद फिर 20-20 kg की कई बार हुए हैं। ये 17 जनवरी को भी वहाँ पे 58 बटालियन वालों ने 14 पोस्ट पे 23 kg हीरोइन पकड़ी थी, लेकिन ये 60 kg के जो सीजर है ये पहली बार। सर, ये तरीका नया था जब पहले भी ऐसा तरीका ये हमारे सेक्टर के लिए नया है, लेकिन बाकी जगह पहले हो चुका है। ये नॉर्मली इसको जलकुंभी में छुपा के ऐसे फ्लोट कराते हैं कि जैसे बहाव के साथ निकल जाए, लेकिन इतनी बड़ी क्वांटिटी में ये पहली बार हुआ। सर, आगे से कैसे हैंडल करते हैं, जो आगे से लेते हैं इधर? ये देखिए, यहाँ कोई ना कोई उनका रिसीवर रहा होगा, तो जैसे कि जो रस्सी की लंबाई को 1.5 किलोमीटर दिखाई जा रही है, तो कोई 1-1.5 किलोमीटर पीछे बैठा होगा। रिवर का इतना फ्लो है, तो उसके साथ वो बांध के उन्होंने तो उसको छोड़ा नहीं है ना, वो तो बांध के रखी है, फिर वो उनको फिर वो मोबाइल वगैरह से वो मैसेज भेजते हैं क्या वो पहुंच गया है, तो उनको तो जगह पता रहती है कि कहाँ तक पहुँचेगी, तो वहाँ रिसीव करेंगे। हम लोगों ने रात को उस जगह पर सर्च भी करवाई थी, लेकिन वो मिला नहीं, शायद उनको शक हो गया था तो वो भाग गए। सर, एक जो गुज्जर हैं वो तकरीबन रिवर के एक किनारे पे रहते हैं, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं कोई लिंक हो सकता है इनका भी? देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन का काम तो NCB का, हम लोग NCB को ये हैंड ओवर करेंगे, ये उनको पता लगाना है, सस्पिशन रहता है इसमें कोई शक। जो उनके डेरे हैं उनको पीछे किया जाएगा? अभी तो अभी पुलिस और NCB वालों के पास है, BSF का काम तो बॉर्डर गार्डिंग है।